एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं निदा और मैं आज आप सभी को बताने जा रही हूं कि प्रेगनेंसी के टाइम पर ब्लीडिंग क्यों होती है, प्रेगनेंसी टाइम पर ब्लीडिंग होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कब आपके लिए चिंता की बात होती है और कब आपके लिए नॉर्मल होता है। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब कोई भी लेडी प्रेगनेंट होती है वो पल उसके लिए बेहद ज़्यादा खुशी के होते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के शुरुआती जो दिन होते हैं यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एक महीने से लेकर 3 महीने तक का टाइम, ये बेहद ज़्यादा खास होता है, बेहद ज़्यादा नाजुक होता है। इसमें आपकी छोटी सी गलती भी आपको और आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। तो प्रेगनेंसी के जो पहले 3 महीने होते हैं उसमें अपना आपको खास ख्याल रखना होता है। तो इसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ज़्यादातर लेडीज़ को परेशानी आती है ब्लीडिंग की। देखिए काफ़ी सारी क्वेरीज यही आई हैं कि हमें प्रेगनेंसी में प्रेगनेंट हैं लेकिन हमें ब्लीडिंग हो रही है तो क्यों हो रही है। तो ब्लीडिंग होने के क्या क्या कारण हैं मैं इसमें आपको बताऊंगी और आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए ये भी मैं इसमें आपको बताऊंगी। तो देखिए क्या होता है, जब कोई भी लेडी प्रेगनेंट होती है तो उसके अंदर जो हार्मोन्स बनते हैं HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे चेंजेस बॉडी में आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि शुरुआती महीनों में नोजिया यानी कि चक्कर आना, नोजिया, वोमिटिंग होना, सर में दर्द रहना, पैरों में स्वेलिंग का हो जाना, ये सारे चीज़ें सिम्टम्स, बार बार पेशाब आना, ये भी प्रेगनेंसी का सिम्टम है। तो शुरुआती जो दिन होते हैं उनमें ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिलती है, क्योंकि जो बॉडी में हार्मोन्स चेंज होते हैं उसी की वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं ब्लीडिंग की। देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग अगर फर्स्ट मंथ में या सेकंड मंथ में आपको हुई है तो उसका मतलब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। तो अब आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगी? देखिए पीरियड्स और प्रेगनेंसी के ब्लड में ज़्यादातर लेडीज़ कन्फ्यूज़ हो जाती हैं कि ये प्रेगनेंसी वाला ब्लड है या फिर पीरियड्स का ब्लड है, या फिर आपको बहुत सारी लेडीज़ जो प्रेगनेंट होती हैं वो सोच लेती हैं कि बेबी ख़राब हो गया है, अबॉर्ट हो गया है। तो इसमें आपको चिंता वाली बात नहीं है, मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें बता रही हूँ जो कि आपको ध्यान रखनी है। देखिए फ्रेंड्स, जो पीरियड्स वाला ब्लड होता है वो डार्क रेड कलर का होता है और वो ब्लड जो होता है वो रेगुलर आता है, आपको 3-4 दिन 5 दिन आपको रेगुलर ब्लीडिंग होती है, तो ये तो पीरियड्स का हो गया। अब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आप आसानी से पहचान सकती है, आपको जैसे आप प्रेगनेंट हैं, आपको पहला महीना है, दूसरा महीना है या तीसरा महीना, इन महीनों में कभी भी आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। तो इस ब्लीडिंग में क्या होता है, आपको एक तो जो कलर है उसका वो हल्का सा पिंकिश कलर हो सकता है ब्लड का, या फिर डार्क ब्राउन कलर भी आपका हो सकता है। तो ये ज़्यादातर लेडीज़ में, तो वो 50% लेडीज़ में ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, 50% में नहीं होती है। तो इसमें आपको ये आसानी से आप पहचान सकती हैं। दूसरा, इस ब्लीडिंग में आपको पैड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इस ब्लीडिंग में आपको स्पॉटिंग होती है ना कि ब्लीडिंग। स्पॉटिंग का मतलब है आपको थोड़ी थोड़ी देर के बाद धब्बे आने शुरू हो जाएंगे, सिर्फ इससे आप आसानी से पहचान सकती हैं। तो ये तो था इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। तो अगर आपको प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग हुई है और ब्लीडिंग थोड़ी थोड़ी रुक रुक कर हुई है तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग तब होती है जब स्पर्म और एग जो मिलकर जब उसमें यूट्रस के अंदर जाकर चिपकता है तब ये ब्लीडिंग आपको होती है। तो फर्स्ट कारण आपका ये हो गया आपके इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। सेकंड कारण, आपके यूट्रस में थोड़ी इरिटेशन होने के कारण, उस टाइम पे हील होने के कारण आपको उसके लिए भी ब्लीडिंग हो सकती है, तो ये भी कोई चिंता की बात नहीं होती है। तीसरा कारण आपका हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। देखिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ज़्यादातर जो बेबी ग्रो करता है, जो फीटस होता है वो यूट्रस के अंदर जा ही नहीं पाता है, वो जो है फैलोपियन ट्यूब में ग्रो करने लग जाता है, जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये थे तो कुछ कारण जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीनों में ब्लीडिंग हो और उसके साथ में आपको दर्द फील हो रहा हो तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इसको बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। दूसरी चीज़, ये तो हो गया प्रेगनेंसी। इसके अलावा आपको देखिए, अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो आपका चल रहा होता है बेहद नाजुक होता है, उसमें आपको वज़न नहीं उठाना है, हाई हील्स नहीं पहननी है, ज़्यादा सफ़र नहीं करना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, दूध लें और झुकने वाले काम थोड़ा कम करें, वज़न बिल्कुल भी ना उठाएं, और इसके अलावा लूज कपड़े पहनें। तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।